शिवम कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक बेहद बेहतरीन केस के बारे में समझाऊंगा। बहुत अच्छा केस है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को, जेर को बाहर कैसे निकालें, रिमूव टू प्लेसेंटा, इसको जेर को कैसे बाहर निकालना है, क्या क्या तरकीबें होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि निकालने के बाद क्या दवाई खिलाएं, क्या इसका ट्रीटमेंट करें, कैसे इसको निकालें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके वीडियो को ना देखें। ये देखिएगा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। देखिए, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, हम जेर को बाहर कैसे निकालें। अगर सबसे पहले ये देखना होता, अगर किसी पशुपालक की जेर, गाय भैंस की अगर जेर अटक गई हो, तो अगर ना भी निकलवाएं 72-73 घंटे तक या 96 घंटे तक ना भी निकलवाएं, तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जेर निकलवाते तो हैं, इन कुछ पशुपालक भाई को ये पता नहीं होता है, जेर निकलवाने से कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं। मतलब ये है कि आज की डेट में सबसे पहला डर ये होता है कि जेल अटक गई है, हमें जेल निकलवानी है, जल्दी हो जाती है, जेल निकलवानी है। ऐसा नहीं करें, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर 72 घंटे तक भी अगर जेल ना निकले, तो भी अपने आप ही गल सड़ के निकल जाती है, 72-96 घंटे तक तब भी निकल जाती है, तब भी ये, फिर भी ये करना है। फिर भी उसके बाद में ये नहीं पता होता कि कितने प्रकार की मतलब बीमारियां आ जाती हैं, क्या 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 बीमारियां आ जाती हैं। सबसे पहले बीमारी आती है, जेल को निकालने से इन्फेक्शन हो जाता है, यूट्रस इन्फेक्शन, बच्चेदानी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जब भी कोई भी चीज बाहर से जाएगी, अंदर को हम जाएंगे, हाथ डालेंगे, तो वो इन्फेक्शन, यूट्रस इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगी। सेप्टिक होने के बाद में दूध पे तो कम हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से बात है कि दूध पे तो कम 100% होनी है। उसके बाद में टेटनिस होने का बहुत ज्यादा डर रहता है, कभी कभी पशु कुछ दिन तक चारा भी कम खाने लगते हैं, तो ये बीमारी कई प्रकार से आती है। तो हमें जेर को कैसे सही तरीके से कैसे निकालना है, और ये भी होता है कि जेर को निकालते तो हैं, जेल को निकाल देता है, 100% जेल नहीं निकलते किसी भी डॉक्टर से। ऑल इंडिया में कहीं भी देख लेना, 100% जेल नहीं निकलती है, ये 60-70% जेल निकलती है। तो इसको जो होता है, ये देखिए, मैं तुम्हें एक डायग्राम के तौर से बताऊंगा। ये देखिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। तो हमें ये देखना होता है, हमें किसी भी पशु की अगर जेल अटक जाए, तो हम उसको सही तरीके से कैसे निकालें। तो हम जब जेल निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले ये जेल के अंदर कुछ इस प्रकार के ऐसे मिलते हैं, ये जड़ें, इसकी जड़ें जो होती हैं, ये 70 से 120 तलक जड़ा होती हैं, 70 से 120 जड़ा होती हैं। तो ये कुछ ऐसे मिलता है, कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी ये बनने के बाद। तो हमें यहाँ पर इस बीच में जो ये जगह है, ये बीच में जो जगह है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तरीके से अटकी हुई होती है, यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा अच्छी तरीके से अटकी हुई होती है। तो हम इसको खींच खींच कर, कच्ची जेल निकालते हैं, हम इसको खींच खींच के निकालते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें कि हम जब हाथ डालें अंदर को, तो अंदर से हम ये अगर हम यहाँ पर जेल का टुकड़ा अगर अटका हुआ है, यहाँ से नाप लीजिएगा सबसे पहले, ये अगर जेल का टुकड़ा अटका हुआ है, तो हम इस वक्त कोई से भी हाथ से हम इसको पकड़ लें, इसको तोड़ना नहीं है, पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद में हम इसी हाथ से, दूसरे हाथ से हम अंदर को डालेंगे। जब अंदर पहुंचने के बाद, जब ये जेल का टुकड़ा यहाँ से जब अटका हुआ है, तो यहाँ से कुछ प्रकार से है, तो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से पहुंचने के बाद में, तो इसको हम इस हाथ से पकड़ लेंगे, कोई से भी हाथ से पकड़ लेंगे, हमने दूसरा हाथ डाला, यहाँ से पूरी तरीके से हम पहले शुरू से यहाँ से लेकर आएंगे, हम इसको खींच कर, यहाँ से जब हम इसको उठा कर लाएंगे, यहाँ से कहीं से भी हम इसको लेकर आएंगे खींच कर। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से तोड़ने लगे, इसको निकाल दें, इसको तोड़ दें, यहाँ से नहीं करना। यहाँ से लेने के बाद में सब, यहाँ से शुरू से हमको लेकर चलना है, तभी जेल निकल पाएगी सही तरीके से। सही तरीके का बता रहा हूँ मैं, सही तरीके से तभी जेल निकल पाएगी। यहाँ से हमें इसको लेकर चलना है, हमें पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा, तब जेल निकालेंगे। इसको तोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, हम जब हाथ डालेंगे तो इसको तोड़ना नहीं है, यहाँ से तरीके से हम लेकर आएंगे। तो ये जो हो, ये जो है, तो ये जो जड़ है इसकी,
तो इस जड़ को हमें तोड़ना नहीं है, कभी कभी ये जड़ टूट भी जाती है, इसको हमें तोड़ना नहीं है, सही तरीके से यहाँ से छुटाना है हमें, ये जड़ कभी भी तोड़नी नहीं है, यहाँ से जो कोई सी भी जड़ हो तो हमें तोड़नी नहीं है इसको, हमें इस पे से ही सही तरीके से हमें जेल को निकालना है। और कभी कभी ये होता है अगर जेल को निकालने के बाद में हमारी जेल निकल गई, यहाँ से निकलने के बाद में हम इसको बाहर को लेकर आएंगे, पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी, ब्लड भी आएगा, बहुत सारी दिक्कतें बनेंगी इसके अंदर, तो हम इसको धुलाई भी कर सकते हैं, हम इसकी जेल बच्चेदानी धुलाई कर सकते हैं। धुलाई के लिए लेंगे हम पीपीआर, पीपीआर पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको हम गर्म पानी में करने के बाद, गर्म पानी में 1 बाल्टी गर्म पानी में करने डालने बाद थोड़ा सा ही गुनगुना हो, तो उसमें हम ताजी पानी भी ले सकते हैं, गर्म ना लें तो ताजी ले सकते हैं, रखा हुआ पानी ना लें, रखा हुआ कई दिनों का या कुछ टाइम का रखा हुआ ना लें, ताजी ले सकते हैं। तो हम इसको पीपीआर से धुलाई भी कर सकते हैं। धुलाई करने के बाद हम इसको फ्यूरेक्स नाम से, फ्यूरेक्स के नाम से बोलस आती है, बैट्स फार्मा की होती है, फ्यूरेक्स के नाम से बोलस आती है। इस बोलस को हम 4 बोलस रख सकते हैं इसके अंदर। उसी टाइम जब हमने पीपीआर से धुलाई कर दी, जेल पहले निकाल दी, हमने पीपीआर से धुलाई कर दी, उसके बाद में हम फ्यूरेक्स टेबलेट, हम फ्यूरेक्स बोलस हम 4 बोलस इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं दोनों ओरन में, दो इस ओरन में डाल सकते हैं, दो इस ओरन में डाल सकते हैं। हम जब बोलस डालेंगे तो इस बोलस बोलस का काम क्या होता है, ये यूरिया की बनी हुई होती है, इस बोलस का काम ये होता है जो भी इसके अंदर गंदगी होती है चिपकी हुई, उस गंदगी को ये बाहर लेकर आता है। उसी प्रकार से हम ये, हमने सबसे पहले जेल निकाली, उसके बाद में हमने ये धुलाई करी, धुलाई करने बाद में फ्लोरेक्स टैबलेट रखी, फ्लोरेक्स टैबलेट रखने के बाद में फिर हमने ये पूरी तरीके से बना ली, बनाने के बाद में फिर ये ऐसे होता है। उसके बाद में जेल तो तुम्हें पता ही है आप कैसे निकालनी है, हमें जेल यहीं से सही तरीके से निकालनी होती है। तो हमें यही मैंने तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बताया है, ये स्ट्रक्चर, ये हमें जेल कैसे निकालनी है। और सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जेल को तोड़ना नहीं है। जब बच्चेदानी कोई भी ये हुआ कि जब जोर मारेगा पशु, कोई पशु जोर मारेगा तो उसका ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होगा, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होगा तभी हमारी जेल बाहर निकल पाएगी। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स कब रिलीज होगा, जबका जो पशु कोई भी जोर मारेगा। पहले के डेट में कि पशु चुगने जाते थे और आज की डेट में पशु चुगने नहीं जाते हैं, इसलिए जेल बहुत ज्यादा अटक जाती है। तो इसीलिए ये मैंने तुम्हें बताया है पॉइंट के बारे में। थैंक यू। जी, किसी को ये पता है कि पशु जो है जेर जो डालता है तो भी बहुत ही, ये नोटिस करा है किसी ने कि पशु जब जेर भी डालेगा, कभी भी जेर डालेगा, तो वो शांत अवस्था में, बहुत ही शांत अवस्था में, बहुत ही रिलैक्स फील करेगा, बहुत शांत फील करेगा, कभी भी फील करेगा तो उस टाइम पे जेल डालेगा जब कभी बिल्कुल शांत होगा। उसी प्रकार से कभी भी खड़े होकर जेल नहीं डालते हुए देखा होगा तुम्हें, गाय भैंस को कभी भी जेल खड़े से नहीं डालते हैं, बैठ कर ही जेल डालते हैं। इसीलिए पशुपालक चाहते हैं कि इसके पास में कोई नहीं जाए, तो वो शांत अवस्था में बिल्कुल आराम से फील करेगा तभी उसको जेल डालती है। तो यही मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये आपको समझ ही जाएंगे कि सही तरीके से जेल कैसे निकालनी होती है। कभी भी ये गलती ना करें, अगर जेल पूरी तरीके से नहीं निकाले तुमने, अगर तोड़ दी फिर यहाँ से खींचम खाच कर दी तो पशु को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है इससे। तो ये मैंने तुम्हें आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, धन्यवाद।